हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन है नवरात्र का दूसरा दिन और दिन है शुक्रवार और तारीख है आज 4 अक्टूबर। तो बस सुबह के जो काम है ना सारे हो चुके थे, पूजा पाठ, नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, तो सब कुछ कर लिया था मैंने। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ, मैं कहना भूल गई थी, फिर से वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, तो उसमें बना रही थी दलिया मम्मी और पापा जी के लिए, और हस्बैंड जी चले गए थे अपने ऑफिस, और आज मैं नहीं गई थी किसी कारण से। तो बस यहाँ पर मैंने ना नाश्ता वगैरह करा के उसके बाद फिर घर में कोई सब्ज़ी थी नहीं आज, तो बस जो सामने घर के सामने गली में बेचने आते हैं ना ठेले वाले, तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स ले लिए। तो पालक आज मैंने ना इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम पालक लिया, यानी बरसात होने के बाद पहली बार पालक लिया है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बरसात में पत्ते वाली सब्ज़ियाँ नहीं खानी चाहिए, तो बरसात तो ख़त्म हो गई है, तो आज मन हो रहा था थोड़ा सा सब्ज़ी को टेस्ट बदलने का मम्मी जी और पापा जी के लिए। और मैंने पहला और आखिरी ही व्रत रखा हुआ है, मैंने पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रखा था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे इसलिए, बट मैं हमेशा 9 दिन का रखती थी, माँ की स्थापना करती थी। इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, माता रानी सब पर कृपा अपनी बरसाएं और सबके साथ साथ मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी कामना है। तो बस मन में श्रद्धा भाव के साथ ही बस अपने काम करती ही जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना पालक जो लिया था वो बहुत ही गीला गीला था और बड़ा महंगा मिल रहा है आजकल सब्ज़ियाँ, अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं सब्ज़ियाँ। अब सीज़न वैसे भी सब्ज़ियों का, बहुत सारी सब्ज़ियों का आने वाला है, जो ये आने वाला सीज़न है, यानी कि गर्मियाँ जा रही हैं और ठंड ने, हल्की सी ठंडक ने दस्तक दे दी है, लेकिन हाँ दिन में तो अभी भी बहुत गर्मी रहती है, इतनी तेज़ धूप होती है ना कि अभी भी ना फुल स्पीड पर पंखे और एसी वगैरह एक बार को चल जाते हैं, जिससे कि जो उमस उमस होती है वो निकालने के लिए कमरों में से। वैसे सुबह शाम तो काफ़ी ठंडा होने लगा है। और हाँ, आज मेरा बेटा आ रहा है, उसके एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म अभी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो दो चार दिन की छुट्टी मिल रही है उसको, यानी कि हो सकता है रामनवमी दशहरा तक की छुट्टी मिल रही है, तो उस वजह से आ रहा है। तो शाम तक आएगा, यानी कि 7 या 8 बजे तक आएगा। आपसे वो सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर सबका नाश्ता हो गया था, तो बस हो रही थी लंच की तैयारी, और लंच की तैयारी तो मम्मी पापा जी के लिए होगी, बट बेटी ने अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि वो दलिया नहीं खाती है, तो मैं उसके लिए बना रही थी। एक गोभी रखी हुई थी मेरे पास, एक नहीं आधी रखी हुई थी फ्रिज में 2-3 दिनों से, तो बस उसी की फिर मैंने सोचा कि चलो आज गोभी के पराठे बना देती हूँ उसके लिए। समझ नहीं आता है कि नाश्ते में उसके लिए ऐसा क्या बनाऊँ जो मन से खा ले, तो आलू के पराठे वगैरह तो खाती ही रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं गोभी के पराठे बना देती हूँ। तो गोभी के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो मैंने ना गोभी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, एक एक जो कली होती है ना उसको देख लिया है साफ़ करके और रख दिया है उसको कस के। और इधर मैंने ना पालक को पहले पूरा वॉश किया था अच्छे से कम 4 से 5 बार पानी में, क्योंकि ना बहुत मतलब मिट्टी मिट्टी आ रही थी हाथों में, तो मैंने सोचा साफ़ ही नहीं कर पा रही थी मैं उसको, तो मैंने अच्छे से उसको वॉश किया। उसके बाद मैंने उसको अलग रख दिया, जब पानी उसका निचुड़ जाएगा फिर मैं उसको अच्छे से पत्ते देखूँगी, खराब पत्ते होंगे वो हटाऊँगी। और यहाँ पर मैंने गोभी कस के उसमें मिला दिया है नमक थोड़ा सा, जिससे भी जो भी एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा, तो उससे पराठे में बहुत ही, मैं ना मेरे बच्चों को बहुत सारी गोभी भर के पराठे पसंद हैं, आलू भी बहुत सारे भरो, मतलब खूब अच्छे से आलू हों एक पराठे में, थोड़े थोड़े चीज़ें नहीं अच्छी लगती, बेशक एक ही पराठा खाएंगे लेकिन उसमें फिलिंग जो भरे ना वो अच्छे से भरी हुई हो तभी खाते हैं। तो बस ये जितनी गोभी है ना उसमें 1-2 पराठे ही सेकूँगी मैं हाफ हाफ करके, और 2 ही बनाऊँगी उसके लिए। तो गोभी को मैंने रख दिया था एक तरफ, और इधर मैंने आटा तैयार कर लिया। आटा ना बिल्कुल कचौड़ी की तरह सॉफ्ट तैयार करना है, जिससे ना कि बहुत अच्छे सॉफ्ट पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो मैंने आटा भी गूंथ के एक छोटे बर्तन में करके रख दिया है। इधर गोभी को तो कम से कम 15 मिनट हो गए थे, तो उसमें मैंने भी पानी छोड़ दिया था। अब इसको अच्छे से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दूंगी ना, बहुत सारा पानी निकलेगा,
तो इससे ना ये बहुत ड्राई हो जाएगी, और जो ऐसे ही बना लेते हैं तो वो पराठे चिपकते हैं और फटने लगते हैं, चकला बेलन में चिपकने लगते हैं। तो अब ये ना पराठा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा, ना बर्तन में बिल्कुल नहीं चिपका, चकला बेलन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखिए कितना सारा पानी निकला हुआ है, और सारी गोभी मैंने निकाल के, और धनिया और हरी मिर्च और नमक तो इसमें मैंने पहले ही डाला हुआ था, अब इसमें एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा भी खाना हो। फिर इसमें मैं ना थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्ची, बाकी कोई मसाला नहीं डालूंगी मैं, कोई भी मसाला उसको नहीं पसंद है, बस हरी मिर्ची और हरा धनिया से ही सारा टेस्ट आ जाता है। इसी से भी कोई भी चीज़ बनाओ बहुत ही टेस्टी बनती है, हरी मिर्च और धनिया तो मस्ट है। और अब तो धनिया अभी तो बहुत महंगे आ रहे हैं, लेकिन अब आने वाले सीज़न में ना काफ़ी सारे धनिया आएंगे, जो है इतने इतने आएंगे कि लोग सब्ज़ी वाले भी बहुत सारे डाल देंगे। अभी तो ना 10 रुपये की जरा सी धनिया देते हैं, चलो थोड़े दिन की बात और है, बहुत सारे धनिया मिलेंगे, खूब चटनी बनाई जाएगी। अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, थोड़े से धनिया में ही चटनी ऐसे ही बना लेते हैं, टमाटर वमाटर डाल के, मतलब जुगाड़ू वाली चटनी टमाटर प्याज वगैरह डाल के बन जाती है। तो यहाँ पर हो गई थी तैयारी पूरा गोभी का पराठा बनाने की, और उधर मैंने ना पालक को कट करके रखा हुआ था मम्मी पापा जी के लिए बनाने के लिए, तो मूंग की दाल उसमें डालनी है मुझको छिलके वाली, क्योंकि अभी वैसे उड़द की दाल से दाल पालक बहुत अच्छी बनती है, बट अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो मूंग की दाल से ही बनेगी। तो बस यहाँ पर पालक मैंने एक साइड में ढक के रख दी हुई है और दाल को मैंने भिगो दिया है। अब मैं बनाने जा रही थी पराठा, तो बस छोटे मोटे जो किचन के काम होते हैं साथ के साथ निपटाती हुई चलती हूँ। तो बस यहाँ पर एक साइड में बन रही थी चाय, बेटी को चाय के साथ पराठा खाना था, तो बस यहाँ पर चाय बना दी और तवा होने के लिए रख दिया है गरम। मेरे तो बस इसी तरीके से जब मैं घर में होती हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन किचन चालू रहता है, मतलब कभी किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी का नाश्ता कभी हो रहा है, किसी का खाना हो रहा है, तो मतलब ऐसे करके ना पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं हम कि बिल्कुल भी वो नहीं मिल पाता है टाइम। तो ये लगता है कि इससे तो अच्छा जॉब पर चले जाते हैं ना, तो कम से कम काम सारे टाइम से हो जाते हैं, लेकिन हाँ मुझे जॉब से आने के बाद भी सारे फिर कोई खाना पीना करना होता है, क्योंकि इन लॉज साथ में है ना, तो उनका उनकी केयर के लिए तो उनको तो गर्म ही गर्म खाना देती हूँ ज़्यादातर, चाहे मैं 3 बजे आऊँ चाहे 4 बजे आऊँ, तो जब भी आती हूँ तभी सेकती हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि कभी कभी खा लेते हैं या बेटी सेक देती है, बट मैं उनके लिए आके ही सेकती हूँ, क्योंकि अब तो दिन भी छोटा होने लगा है और स्कूल का टाइमिंग भी 9 बजे से 3 बजे तक की हो गई है, तो 9 बजे अगर सेक के भी रख जाऊँ तो वो 3 बजे तक 2 बजे तक मतलब खाना अजीब सा हो जाता है, और फिर बुज़ुर्ग हैं उनसे इतना खाया नहीं जाता है इस तरह का, मतलब रोटियां जो है कितने भी मतलब अच्छे से बनाओ सॉफ्ट करके, लेकिन वो टाइट हो ही जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको तुरंत बना कर ही खिलाऊँ, 2-4 रोटी सेकनी होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने ना आटा लेके, और देख सकते हैं आप मैं खूब सारी गोभी, मैंने जो गोभी बनाई तैयार की थी उसमें केवल 2 पराठे ही बनाऊंगी, खूब सारी भर के बना रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं जितनी भी गोभी थी ना मैंने सारी दो पराठों में ही भर दी थी, क्योंकि मैं भी नाश्ता कर ही चुकी थी, मतलब कर क्या चुकी थी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा दलिया मैंने खा लिया है, 1-2 पराठा मैं भी अपने लिए सेक लूँगी तो वो खा लूँगी, फिर मेरा ना पूरा लंच ही हो जाएगा, फिर मैं ना लंच नहीं करूँगी, लंच इसी का कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने ना पराठे को अच्छे से भर लिया है, और आटे को इतना सॉफ्ट, जितना अच्छा सॉफ्ट हम तैयार करेंगे ना उतना ही हमारा पराठा अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और जो बर्तनों में चिपकता है वो नहीं चिपकेगा। तो बस आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं डेली ब्लॉग अपडेट करती हूँ, क्योंकि एक अभी पिछले दिनों कुछ तबीयत ख़राब थी घर में सबकी, कुछ इश्यूज़ थे और घर में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था शेड्यूल, तो इस वजह से मैं ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी और ब्लॉग आपको नहीं दे पा रही थी, इसके लिए मैं आपके से क्षमा चाहती हूँ। आगे कोशिश करूँगी मैं कि आपको सारे ब्लॉग डेट बाई डेट और डेली देती रहूँगी, तो आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आपको, क्योंकि फेस्टिव सीज़न हो गया है शुरू और नवरात्रि तो शुरू हो ही गए हैं, चल रहे हैं, तो बस ये सब चलता रहेगा, और आगे अभी तो करवा चौथ और सारे त्यौहार, अहोई अष्टमी, दिवाली, मतलब बहुत सारे त्यौहार ही त्यौहार हैं, मतलब 1 दिन बाद 2 दिन बाद छोड़ के त्यौहार ही त्यौहारों की लाइन लगी रहेगी। तो बस यहाँ पर देखिए आप टेस्टी सब पराठा सीख के हो गया रेडी, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे आप किस तरीके से बनाते हैं,
और मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और बीच में हो गई थी बरसात शुरू, काम जब मेरे यहाँ शुरू हुआ था तो उसके बाद काम बरसात हो गई थी शुरू, तो सबसे ऊपर वाली छत एक ही बन पाई थी, तब तक पानी बरसना शुरू हो गया था, तो बीच में 3 से 4-5 दिन काम रहा बंद। तो काम बंद रहा तो मतलब पूरे घर में फैला रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा काम शुरू करें कौन सा ख़त्म करें। तो अभी मेरे घर में कोई सफाई वफाई दिवाली की नहीं हो पाई है, क्योंकि जो काम चल रहा है ना वो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी मैं। और बस इसी तरीके से काम चलता रहता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। बस यहाँ पर हो गई चाय भी रेडी और पराठा भी रेडी हो गया है, तो अब थोड़े से आलू की फिलिंग रखी हुई थी तो देखती हूँ अगर कोई खाएगा तो उसका भी सेक दूँगी आलू का पराठा, क्योंकि मम्मी पापा जी रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जो भी फ्रिज में थोड़ा बहुत बचता है ना वो हम ही लोग ख़त्म होते करते हैं या फिर वो फेंका जाता है, तो इस वजह से ना ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो आलू रखे हुए थे तो मैंने अपने लिए 2 पराठे सेक लिए थे आलू के, तो मैंने सोचा मेरा लंच तो ये हो जाएगा। और बस यहाँ पर मैं अपना लंच करने के बाद फिर मैं किचन में पहुँच गई थी और दाल पालक की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो बन चुकी थी, दोपहर का टाइम लंच टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए थे तो उनके लिए मुझे सेकनी थी रोटियाँ, और मम्मी पापा जी भी खाएंगे, वही तीनों लोग खाएंगे, बाकी हम दोनों लोगों ने खा लिया था। और अभी काम चल रहा है छत पे, आगे ब्लॉग में देखना मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि काम आज से ही शुरू हो पाया है, जब से बंद हुआ था तब से बीच में 2-3 दिन मेरे हस्बैंड जी की और पापा जी की भी तबीयत गड़बड़ रही, तो देखने वाला नहीं था कोई, तो इस वजह से काम भी बीच में बंद रहा, क्योंकि जेंट्स लोग ही बार बार देखते हैं तो उन्हीं के देखने से ही काम ठीक होता है, बाकी अब महिलाओं के देखने से क्या होगा। तो बस उसी वजह से काम थोड़ा सा बंद रहा, क्योंकि पैरों वैरों में बहुत दर्द था, छतों पे चढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं सभी लोग, तो बस काम फिर से शुरू करा दिया है, अब देखते हैं कितना हो पाता है काम। तो बस यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है खाना और हस्बैंड जी को परसने के बाद मम्मी पापा जी को दूंगी, क्योंकि मम्मी पापा जी थोड़ा कह रहे थे लेट खाएंगे हम, तो मैंने कहा ठीक है जब आप खाओ तब बता देना। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी को दे दूंगी रोटी, और केवल दाल पालक ही बनाया था, क्योंकि और कुछ सब्ज़ी बनाने का मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कोई खाएगा नहीं और फिर वो बेकार हो, उससे अच्छा ये है कि जब खाएंगे तो एक सब्ज़ी और ताज़ी शाम को बन जाएगी। 2 सब्ज़ियाँ बना दो ना तो कुछ ना कुछ बचता ही रहता है, अगर बचता है तो फिर मुझे ही अकेले खाना पड़ता है, तो मैं अकेला कितना खा लूँगी, मतलब कितनी भी कम बनाओ फिर भी ना कुछ बचती रहता है। अभी भी फ्रिज में कई चीज़ें रखी हुई हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ, अब देखती हूँ आगे क्या होता है। फिर ये खाना बनाने के बाद फिर ये मैं छत पर आई थी मैं शाम के टाइम, ये क्लिप है शाम की, तो बस ये सब आपको मैं दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट सारे अंदर रखे हुए हैं, सब सामान फैला हुआ है, काम भी चल रहा है इधर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।